समझ रहे हैं। हाँ आप पापा की परी हैं, समझ रहे हैं। नहीं, आप हमारे यहाँ भी परी बन के रहेंगे। आईफोन दिला देंगे तो आप पसंद कर लेंगे ना, क्या हम अपना दिल तोड़ के ले जाएं बाहर निकल। हेलो मैम, आप कौन? रंजीत, रंजीत। हेलो, हेलो मैम, हेलो हेलो। अरे मिला लीजिए यार। मैम यहाँ पे क्या बैठ सकते हैं हम थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए? थैंक यू मैम। मैम और सब बढ़िया है? आप कौन? आपका नाम क्या है, बात कर सकते हैं थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए? रश्मि। रश्मि, मेरा नाम रंजीत है। ठीक, तो मैम थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा रिएक्ट करना चाहते थे। कुछ अंदर से फीलिंग जाग रही थी, वहाँ पे देख रही थी इतना, मतलब यहाँ पे ग्राउंड में बहुत सारे लोग को दिखे, पर आप कुछ लोगों में से खास दिख रहे थे, तो सोचे कि कुछ ना चलो बातें किया जाए। अब आप बात करने बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको हृदय की गहराइयों से सही बता रहे हैं, हृदय की गहराई। हिंदी लिटरेचर पढ़ गया है वो। हाँ हाँ, कुछ गहराइयों से निकल रहा है। हाँ, निकल रहा है तो क्या करें, अब निकालना पड़ रहा है ना। मैं आप मुझे पसंद है, सही बता रहे बस 5 मिनट के अंदर पसंद होगी। ऐसे 5 मिनट में पसंद कर लेते किसी को कोई? पसंद होगी तब क्या बताएं, 5 मिनट के अंदर आप पसंद तो मेरे जैसे तो बहुत भी तुमको पसंद होगी। नहीं नहीं, सिर्फ आप ही पसंद है, सिर्फ आप ही पसंद है। तो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मेरी फ्रेंड पसंद आएगी। नहीं नहीं, आधे घंटे बाद वो लड़की पसंद आएगी। नहीं नहीं, आप ही सिर्फ पसंद है बस, और कोई नहीं पसंद है। कब तक पसंद रहेंगे तुम्हें? लाइफ टाइम तक पसंद करेंगे आपको। क्या आप पसंद का कुछ जवाब रिप्लाई कीजिए प्लीज। नहीं तो बस पसंद ही है कि और भी और कुछ है? और आगे जो भी करना चाहे हो सकता है, और आगे लाइफ लॉन्ग हमेशा के लिए। तो मेरे घर मेरे पिताजी से बात करो। अभी तो बस ऐसे ही घूम टहल रहे हैं, बस ऐसे देख रहे थे कोई मिल जाए, उसके बाद अच्छा, आगे के फ्यूचर बनाते हैं। लोफर हो, घूम रहे थे, टहल रहे थे, नहीं रहे थे। देखो लोफर तो नहीं कह सकते हैं, पर क्या है कि जैसे कि क्या हो सकता है कि इसमें भी बहुत सारा वो है कि कोई ऐसे फालतू घूमता है, पर फालतू नहीं घूम रहे थे ना हम, तो आए डायरेक्टली, आपको पीछा भी नहीं कि डायरेक्टली आके बोल दिए जो भी करना था, डायरेक्ट आके कह दिए ना, हम आपको पीछा किए नहीं किए, आपको कुछ वो गलत सलत कुछ किए नहीं किए, आपको डायरेक्ट आके बोल दिए। अब अंदर नहीं, हिम्मत नहीं, फिर आके बोल दिए ना, इतनी हिम्मत तो है मेरे अंदर कि हम आके बोल दिए, हमको जो लगा वो कर दिए। तो पसंद है क्या, एक्सेप्ट करेंगे प्लीज, एक्सेप्ट करेंगे प्लीज। क्या मतलब प्लीज 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 प्लीज। पहले बात यहाँ ठीक से बैठो। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। कब तक पसंद रहेंगे तुमको ये? हमेशा, जब तक आप चाहेंगे, या आप चाहेंगे, हाँ जब तक आप चाहेंगे तब तक पसंद रहेंगे। जब तक हम चाहेंगे, अब हमको नहीं पसंद हो तो? नहीं तो करना पड़ेगा ना कुछ तो। क्यों करना पड़ेगा, जबरदस्ती है? नहीं जबरदस्ती नहीं, तो कर लीजिए ना प्लीज, कर लीजिए। कोई खेल है कि इसमें पार्टिसिपेट किए फिर मन नहीं किया तो छोड़ के आ गए, या फिर अबे है नहीं तो क्या करेंगे, पर कर लीजिए ऐसा कुछ तो मजबूरी समझा करो, लड़कों की भी कुछ मजबूरी होती है। हाँ, कुछ लड़कों के भी अंदर की फीलिंग होती है। हम समझ रहे हैं, हाँ आप पापा की परी हैं, समझ रहे हैं। नहीं पापा की परी नहीं, आप हमारे यहाँ भी परी बन के रहेंगे। गलत बात, आप हमारे यहाँ भी परी बन के रहेंगे प्लीज, समझ थोड़ा सा कन्विंस कर लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा क्या एडजस्ट करें? हाँ थोड़ा सा। अच्छा तो क्या करते हो ये बताओ, मतलब ठीक है चलो ठीक है, मान लो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी मैं, एक्सेप्ट तो पक्का एक्सेप्ट हो गया ना? एक्सेप्ट नहीं हुआ है, मैं बता रही हूँ ठीक है, क्यों कर रही हूँ रीजन बताओ ठीक है। दरअसल मैं आपको आपको कुछ भी चाहिए मैं दिला सकता हूँ, कुछ भी चाहिए आपको, जो भी चाहिए वो दिला सकता हूँ, कुछ भी करके मैं दिला दूँ। मेरे पापा ने जैसे भी मुझे रखा है जब तक रख लोगे? हाँ कोशिश करेंगे पूरा, कोशिश करने में क्या वो है, कोशिश करेंगे पूरा रखने के लिए। आपको चाहिए क्या ये कोशिश करेंगे? हाँ, वो मेजर करता है ना कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ बस आप एक बार हाँ तो कह दीजिए ना कि हाँ हाँ, मतलब जो है कह दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। क्यों हाँ करें, एक भी एक ऐसा पॉइंट बताओ कि किस बेस पे मैं आपको हाँ क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या ये बताइए। क्या कर सकते हो तुम? हम सब कुछ कर सकते हैं, आप जो कहिए सब कुछ कर सकते हैं, आपको जो कहिए वो दिला सकते हैं। हाँ चलो खुद का तो बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास क्या दिलाओगे वो बाद में। मेरे पास सब कुछ है, है? भगवान का दिया हुआ पैसा है, कौड़ी है, धन है, दौलत है। तो कितना बैंक बैलेंस है तुम्हारा? बैंक बैलेंस में 0000 फ्रंट में या लास्ट में मान लीजिए।
फ्रंट में या लास्ट में, तो तुम ये कंफर्म करो ना कि फ्रंट में कि लास्ट में है, कि मुझे साथ में ले जाके फिर नहीं, ही... आपको चाहिए क्या? अब आप अपना वो गिराइए ना। अच्छा, हाँ गिराइए। हाँ अब देखो आप करना क्या, आईफोन दिलाओ, अभी दिलाओ, बहुत पसंद करो उनको। आईफोन, आईफोन दिला देंगे तो आप पसंद कर लेंगी ना, वो भी बाद में बताएंगे। अभी कैसे नहीं तो मैं देखूँ ना कि तुम्हारी कितनी है। आईफोन, आईफोन के लिए तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ यहाँ से बाहर निकलना चलना पड़ेगा। और उसी हिसाब से पहले आप एक कंफर्म कीजिए कि हम आपको दिला देंगे तो आप मेरे साथ रिलेशन में आ जाएंगे ना। खरीदे बेचो दुकान नहीं खुला है कि नहीं, क्या नाम है, तुमने मुझे प्रपोज किया, अगर तुम मुझे फोन दिलाओगे तो मैं तुम्हें हाँ कहूंगी। हाँ कहूंगी मैं, ये बात कह रही हूँ कि तुम मेरे पापा जो कर सकते वो तुम करोगे? हाँ करेंगे। हम आपको रखेंगे पूरा जैसे आप पापा रख रहे हैं वैसे ही रखेंगे। हम ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम हमेशा आप वैसे ही रखेंगे। हमारे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? हाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। हम बनाएंगे जहाँ जिसे मना लेंगे। बचपन से मैं आजाद हूँ और अभी भी आजाद हूँ और आगे भी रहूंगी राम जी की कृपा से। आप तो तुम तो फिर हम, तुम, हम, तुम तो नहीं रिस्ट्रिक्शन लगाओगे? हाँ नहीं 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 आजाद हम भी रखेंगे। बस कुछ बस जैसे होते हैं ना ये समाज की कुछ चीजें को नजरअंदाज करके चलना, बस हम आपको आजाद रखेंगे। आपके घर वाले? हमारे घर वाले की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप अपने घर बाद में। नहीं नहीं ये हमारे घर वालों की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, आप अपना बताइए बस। अब आपके लिए सब कुछ हाजिर है, सब कुछ जितना भी है सब कुछ हाजिर है, बस आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए, एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, पहले बात तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूं? ठीक है हाँ ये बात सही है। हाँ तो आप नहीं नहीं, और पहली बात की दुनिया इतनी फरेबी है कि भरोसा तो लोग अपनों का नहीं करते, तो तुम्हें तो मैं जानती भी नहीं हूँ, तो करूंगी ठीक है? तो मुझे पहली बात की मेरे पास टाइम नहीं इनका जो दुबे तुम्हारा जो है भी फालतू चीज, और तुम भी इस चीज से बाहर निकलो और अपने करियर पे फोकस करो, अपना काम करो ठीक है? और मुझे भी जो करना मैं वो करूंगी। आपको आईफोन चाहिए ना? हम दिलाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि फालतू अट्रैक्शन है थोड़े टाइम का जो खत्म हो जाएगा। अभी तुम दूसरे को देखोगे वो तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। नहीं नहीं कोई अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी। आप इतना सुंदर दिख रहे हैं, आप इतना अच्छा, आप किसी को दिख नहीं रहा, लोगों की नजर का फेर होता है। आप किसी को कोई आ ही नहीं सकता, आप किसी को कोई आ ही नहीं सकता कि हाँ दूसरा कोई आ जाए। आपके बगल में ये बैठी है, तो ये भी पसंद बताओ। नहीं अभी इनसे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हुआ है, आप ऐसे हो गया, अब कैसे हो गया अभी नहीं जानते। तो आप चलिए ना, हम आपको जो चाहिए हम आपको प्रूव कर रहे हैं ना। तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, हम आपको प्रूव कर रहे हैं जो आप कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, जबरदस्ती प्लीज कुछ नहीं, नहीं नहीं। बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे की जान नहीं, बच्चे को खुद मैं पहचान दूंगी। बच्चे की जान लोगे क्या? ऊपर ठीक है, चलो हो गया, बहुत मजाक ठीक है, तो कोई बात ही नहीं। जाओ बोला ना कि बस अट्रैक्शन है, अभी थोड़ी देर बाद किसी और से होगा। अपने काम पे फोकस करो जो कर रहे हो ठीक है, ये सब फालतू फ्लडबाजी आवारा गर्दी लोफड़बाजी सबसे दूर रहो ठीक है। ए आवारा, हम आप देखिए आवारा आपकी नजर में आवारा है, पर हम आपको मेरे नजर में नहीं हो, तुम खुद के नजर में क्या हो तुम खुद सोचो। हम अपनी नजर में, मतलब कोई रैंडम लड़की बैठी है, तुम आके उसको प्रपोज कर रहे हो, अभी हम तुमको जानते नहीं है, तुम मुझे जान रहे हो, पांच मिनट में तुमको मेरे से मोहब्बत प्यार होने लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है? दुनिया में तुमने किसी की हैसियत नहीं कि किसी के बाप की बराबरी कर सके, कि उसके बाप के हिसाब से उसको चला सके ठीक है। लोग कहते हैं आज तुम कह रहे हो कल शायद जिससे भी होगी मेरी शादी चाहे जो भी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये समझ रहे थे, पर हम अंदर से क्या, हम अंदर से कह रहे हैं ना, हम कोशिश पूरी करेंगे, आप जितना भी होगा हम आपका सपोर्ट हर जगह करेंगे, आपका सपोर्ट हर जगह करेंगे। मुझे चाहिए ही नहीं कोई, नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं चाहिए अभी, मैं एकदम कंफर्म 100% आप पंछी हैं हमेशा, आजाद पंछी मैं, उड़ती रहूंगी, मुझे कोई नहीं, हमेशा उड़ती रहेंगी। आप कोई वो नहीं है मेरी तरफ से कोई, तो मैं क्या समझूं? हाँ समझ लूं, हाँ समझ लूं, कुछ नहीं समझो, यहाँ से निकल जाओ ठीक है, नहीं तो फिर फालतू में मैं कुछ बोल दूंगी तुम्हें बुरा लगेगा, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं देखिए नहीं गुस्सा वुस्सा नहीं, यहाँ से जाओ, गुस्सा मत होइए ना, गुस्सा का लिए हो रही है, गुस्सा क्यों ना होंगी, हो गया इतनी बात हो गई, चलो ठीक है मजाक था, मुझे लगा चलो ठीक है फालतू हो गया, क्या जबरदस्ती तो नहीं है ना किसी के साथ, जाओ यहाँ से चले जाए, सही में कह रहे हैं चले, क्या हम अपना दिल तोड़ के लेके जाएं? दिल तोड़ के ना, बाहर दिल में, दिल में पेट्रोल डालो उसमें आग लगा दो, दिल में पेट्रोल डाले आग लगा दी आग तेरी ठीक है, सब कुछ है नहीं, दिल क्या होता है, दिल कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है ना। चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपकी तरफ से पक्का हाँ समझ लूं, मार खाए भी नहीं लग रहा है, जाओगे नहीं या फिर कोई गाली सुनोगे अच्छी से? नहीं गाली वाली मैं सुनाइए मैम, देखो हम आपको एक चीज बताना चाह रहे थे, एक चीज सुनेंगी ना आप, हम यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर
यूट्यूबर है, हम वीडियो शूट कर रहे थे हम आपके ऊपर, हम वीडियो देखिए वो कैमरा लगा हुआ है वो देखिए, मैम सॉरी जो गलती हुई सॉरी, पर एक बार हाँ कर दी, हाय हाय कर दीजिए, हाय कर दीजिए, बात किए, अब आपसे बात करके अच्छा लगे, प्लीज हैंड से कीजिए, आप बहुत अच्छी हैं, पर मारना मत, मारूंगी चलो ठीक है। हाँ एक बार मेरे व्यूअर को बोल दीजिए कि चैनल को सब, मेरा चैनल नेम रंजीत के प्रैंक है, एक बार बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रंजीत के प्रैंक, रंजीत के प्रैंक को हाँ, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है मैम, आपसे मिलके अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू, बाय।